हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो आपकी वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है उसमें जो कलर चेंज होता है तो कौन से कलर का क्या मतलब होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल होता है और इसको हेल्दी ल्यूकोरिया बोला जाता है, लेकिन कभी कभी ये डिस्चार्ज आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सफेद या फिर पारदर्शी डिस्चार्ज के बारे में। ये जो डिस्चार्ज होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा आपके टाइम पूरा होने से काफी ज्यादा पहले बढ़ जाती है और ये गाढ़ा हो जाता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो प्रीटर्म डिलीवरी की ओर इशारा करता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, और अगर आपको सफेद दही जैसा डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाए तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपको फंगल इन्फेक्शन होने की और इशारा करता है, जो कि ज्यादातर प्रेगनेंसी में महिलाओं को हो जाता है। इससे आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली एंड जलन और उसके साथ ही आपको यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हरा या फिर पीला डिस्चार्ज आता है तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है वो सेक्स के दौरान अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसका संकेत होता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हल्के भूरे रंग का डिस्चार्ज आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये इसलिए होता है कि आपकी वजाइना के आसपास ब्लड सूख जाता है, जिस वजह से हल्के ब्राउन कलर में डिस्चार्ज आ सकता है। एंड अगर आपको ये गाढ़ा ब्राउन आने लगे तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और अगर आपको प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में पिंक कलर का थक्के जैसा डिस्चार्ज आता है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी बॉडी लेबर के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अगर आपको शुरुआत के महीनों में पिंक कलर का डिस्चार्ज नजर आए तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज होने का संकेत हो सकता है। और अगर आपको लाल डिस्चार्ज आता है तो ये आपके लिए प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता है। अगर आपके शुरुआत के महीनों में लाल कलर के साथ पेट में तेज दर्द भी होता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये आपको मिसकैरेज होने का संकेत देता है। तो ये थे कुछ डिस्चार्ज एंड उनका मतलब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।